ओबीसी एनसीएल किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसकी वीडियो तो आपको हजारों मिल जाएंगे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आप जहां भी सर्च करेंगे, लेकिन इसका सही एक्सपीरियंस आपको वही आदमी दे सकता है दोस्तों, जो डेली बेसिस काम करता हो या डेली बनवाता हो या डेली उस चीज के अंदर वर्क करता हो। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन पर्सन है जो आपको सही जानकारी दे सकता है और कौन पर्सन आपको सही जानकारी नहीं दे सकता। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि आपको एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से जो अभी तक आपको YouTube चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम डेली बेस एक्सपीरियंस पर्सन है, हमारा काम ही डॉक्यूमेंटेशन का है। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं तभी आपको जानकारी दे पाते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं डॉक्यूमेंटेशन की देता रहता हूँ चैनल पे, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना इन चीज़ों को। तो आप जानते हैं कि ओबीसी एनसीएल किस तरीके से बनवाया जा सकता है, तो इसके अंदर मैंने आपके 7 से 8 क्वेश्चनों के आंसर दिए, एक एक करके आपको सारी चीजें बताइए किस तरीके से ओबीसी एनसीएल बनाया जा सकता है, ओबीसी एनसीएल कौन कौन लोग बनवा सकते हैं, ओबीसी एनसीएल किसका बनता है, बच्चों का या पिता का, क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटीज क्या क्या है इसे बनाने के लिए, कैसे बनेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या सरकारी एम्प्लॉय के बच्चे भी इसे बनवा सकते हैं नहीं बनवा सकते, और सबसे ज्यादा जरूरी इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे जिसकी वजह से आप इसे इजिली बनवा सकते हैं, साथ ही टाइम कितना लगेगा इसे बनने में। तो ये सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एक भी सेकंड के लिए। अगर कोई भी सेकंड आप स्किप करते हो तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे आपको मेरे द्वारा। बिना देरी के जानते हो ओबीसी एनसीएल के बारे में, इसे बनाने किस तरीके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओबीसी का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसे हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। इस सर्टिफिकेट को आप सभी लोग बनवा सकते हैं इजीली, इसे नहीं बनवाया अभी तक आपने तो किस तरीके से बनाया जाता है ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो ये वीडियो आपको एंड में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी मैंने ऊपर आई बटन पर लिंक दे दिया, वहां जाके भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही ओबीसी सेंट्रल किस तरीके से बनता है उसका लिंक भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके ओबीसी एनसीएल से जुड़े हुए सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, साथ ही आपको बनवाने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यानी कि एनसीएल का जो सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवाया जा सकता है इसके बारे में आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा आपकी कम्युनिटी के जो और भी लोग हैं, आपके भाई दोस्त यार बंधु, आप उनको भी सही सजेशन दे पाओगे कि एनसीएल क्या होता है और एनसीएल के बारे में सही जानकारी आपको पता होगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से कि एनसीएल क्या है। एनसीएल का मतलब होता है दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है हिंदी में जिसपे एक क्रीम की लेयर नहीं लगी होती। आप क्रीमी लेयर को इस चीज से समझ सकते हैं, तो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं वो लोग हैं जिनकी एक अच्छी इनकम है, उसकी फैमिली वेल सेटल्ड है, अच्छा कमाती है, यानी कि उनके घर परिवार में कोई भी आर्थिक तंगी नहीं है, वो लोग आ जाते हैं क्रीमी लेयर के अंदर। और नॉन क्रीमी लेयर के अंदर वो लोग आते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो इस कैटेगरी को एनसीएल के अंदर डिवाइड किया गया है। अब बात करें ओबीसी और एनसीएल, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो पर्सन भी सिर्फ ओबीसी के अंदर आ रहा है वो सिर्फ जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसे ओबीसी का कोई खास आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन जो ओबीसी एनसीएल के अंदर आ रहा है उसे ओबीसी का पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा आरक्षण मिलेगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो एनसीएल के अंदर वो कैटेगरी आती है जिसकी फैमिली आय 8 लाख रुपए से कम है। अगर मैं आय की बात करूं तो इसके अंदर इनकम वो सारी आएगी जो कि आप अर्न कर रहे हो। इसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड वगैरह की इनकम काउंट नहीं होगी, यानी कि आपकी फैमिली में जो भी पर्सन अर्न कर रहा है इनकम के द्वारा या किसी और बिजनेस के द्वारा, तो वो सारी चीजें काउंट होंगी, लेकिन इसके अंदर एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी की जो इनकम है वो काउंट नहीं होगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और आप क्या है 8 लाख से अधिक और आप सरकारी इंप्लॉय नहीं है सी और डी कैटेगरी के, तो आपका जो एनसीएल सर्टिफिकेट है वो नहीं बन सकता। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन थी एनसीएल कैटेगरी के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी कि एनसीएल कौन कौन बनवा सकता है। तो मैंने एनसीएल के बारे में आपको जानकारी पहले ही दे दी कि एनसीएल वो सभी लोग बनवा सकते हैं जिनकी इनकम सालाना 8 लाख रुपए से कम है और उनकी इनकम एग्रीकल्चर लैंड की काउंट नहीं की जाएगी, यानी खेती बाड़ी की इनकम काउंट नहीं की जाएगी। इसके साथ इसे बनवा कौन सकता है, यानी कि पिता का बनेगा या बच्चों का बनेगा, तो इसमें बच्चों का ही बनता है। जो इस चीज का फायदा उठाना चाहता है उसी का एनसीएल बनता है। यानी कि मान के चलिए आपके बच्चे का एडमिशन कराना है आपको, तो आपके बच्चे का एनसीएल बनेगा, पिताजी का एनसीएल नहीं बनेगा। पिताजी के एनसीएल की जरूरत जब पड़ेगी, जब पिताजी अपनी कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपनी कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप पिताजी अपने लिए कोई आरक्षण लेना चाहते हैं, बच्चों के लिए आरक्षण नहीं लेना चाहते। अगर बच्चों के लिए आरक्षण लेना चाहते हैं तो बच्चों का एनसीएल बनवाना पड़ेगा, जिसके अंदर सारी की सारी जो डिटेल है वो पिताजी की जाएगी, यानी कि पिताजी की 3 साल की इनकम
की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटीज क्या क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है। यानी कि आपके घर में कोई भी ऐसा पर्सन नियुक्त नहीं होना चाहिए जो एक बड़ी अफसरी की पोस्ट पे बैठा हो, यानी कि ग्रुप ए में, ग्रुप आई में बैठा हो, या फैमिली राष्ट्रपति से रिलेटिव हो, या फैमिली पैरामिलिट्री कमांडो से रिलेटेड हो, ग्रुप ए ऑफिसर के मेंबर हो, ग्रुप आई ऑफिसर के मेंबर हो। तो ये सारे जो कैटेगरी वाले पर्सन है उनके लिए एनसीएल कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चार पे, यानी कैसे बनेगा ये, ऑनलाइन बनेगा या ऑफलाइन बनेगा। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन अभी तक कोई भी प्रक्रिया इसकी चालू नहीं हुई है, यानी कि जो एनसीएल कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही बन रहा है अभी तक। जब पहले मेट्रो सिटीज में आएगा, मेट्रो सिटीज के बाद ग्राम एरिया, जो भी आपके ब्लॉक है, जो भी आपके कस्बे हैं और जो भी आपकी सिटीज है वहां जाएगा। तो सबसे पहले मेट्रो सिटी में ऑनलाइन बनना चालू होता है और उसके बाद कहीं और जाके बनता है। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में रहते हो तो अभी तक सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन कोई भी प्रक्रिया नहीं है। यानी कोई भी एक ऐसा पर्सन इसे एनसीएल को अप्लाई नहीं कर सकता जो सिर्फ ऑनलाइन का काम करता हो। अब क्या सरकारी इंप्लॉय के बच्चे भी इसे भर सकते हैं? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, बिल्कुल भर सकते हैं। सरकारी इंप्लॉय के वो सभी बच्चे इसे भर सकते हैं जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है सालाना की, या तो वो ग्रुप सी और ग्रुप डी के मेंबर हैं, यानी कि जो उनकी नौकरी है वो ग्रुप सी में है या ग्रुप डी में है और इनकम 8 लाख से ऊपर है, तो भी वो लोग एनसीएल कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात है सातवा क्वेश्चन कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो माता पिता और बच्चे का एक एक फोटो होना अनिवार्य है, तीनों के पास अपना एक अपडेटेड आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके साथ ही फादर की जो बैंक की 3 साल की स्टेटमेंट है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास 3 साल की बैंक की स्टेटमेंट नहीं है तो हो सकता है आपका एनसीएल कैटेगरी का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाए। बैंक की स्टेटमेंट के साथ ही आपके बनेंगे 2 एफिडेविट। अगर आपका बच्चा माइनर है, 18 साल से नीचे है, तो 2 सर्टिफिकेट बनेंगे जिसके अंदर एक सर्टिफिकेट में ये आएगा कि आपके पिताजी ये इनकम कमाते हैं, ये काम करते हैं। दूसरे सर्टिफिकेट में ये आएगा कि आपकी माता जी ये वर्क करती हैं, हाउसवाइफ हैं, जो भी है वो हैं। तो 2 सर्टिफिकेट बनेंगे जिसे हम एफिडेविट भी बोलते हैं, नोटरी पेपर भी बोला जाता है। तो नोटरी पेपर आप जहां भी आपका एसडीएम कोड या आपकी तहसील है वहां जाएंगे तो उसके सामने या उसके बाहर भी बैठे हुए नजर आ जाएंगे, या तो जो भी आपके घर के आसपास स्टम्प पेपर वाला है, नोटरी वाला है, आप उससे भी बनवा सकते हैं। इसे बोल देना कि एनसीएल कैटेगरी के लिए मुझे 2 एफिडेविट बनाने हैं, अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो। अगर उसकी आयु 18 साल से ऊपर है, यानी कि उसकी एज 18 साल से ऊपर है, तो 3 एफिडेविट लगेंगे जिसमें एक उसका खुद का होगा कि वो एम्प्लॉई है या वो क्या कर रहा है, या वो अनएम्प्लॉई है और वो विद्यार्थी है, जो भी वो है वो उस चीज का सर्टिफिकेट उसका भी बनेगा। डॉक्यूमेंट्स में इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है। ओबीसी स्टेट का बनवाना चाहते हैं एनसीएल, तो ओबीसी स्टेट का आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट, और ओबीसी सेंट्रल का एनसीएल बनवाना चाहते हैं तो ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना होगा। दोनों में से जो भी एनसीएल आप बनवाना चाहते हैं उसमें से एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे ही आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बनेगा विद प्रूफ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों टाइम की, तो टाइम लग जाता है इसके अंदर 10 से 15 दिन। आप जब भी डॉक्यूमेंट सबमिट करा के आएंगे ऑफलाइन, उसके बाद आपको वहां पे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद अपना ऑफलाइन सारा फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट अटैच करके उसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद 10 से 15 दिन अगर आप वापिस जाते हैं अपने एसडीएम कोड या तहसील जहां से भी आप बनवा रहे हैं, तो वहां से आपको अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनके तैयार मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि ये कब तक वैलिड रहता है, तो ओबीसी स्टेट लेवल सर्टिफिकेट हो या ओबीसी सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट हो, इनकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की होती है। लेकिन अगर बात करूं नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की, एनसीएल की, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च तक रहती है। सपोज कीजिए कि आपने 1 मार्च को अप्लाई किया और 15 मार्च तक आपका बन गया एनसीएल सर्टिफिकेट 2024 की डेट में, ठीक है, तो 31 मार्च 2024 तक ही उसकी वैलिडिटी रहेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी कि 31 मार्च तक के लिए वैलिडिटी दे रखी है अभी तक कि 31 मार्च जब भी आएगा तो उस समय एनसीएल आपका एक्सपायर हो जाएगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। इसके अलावा अगर आप मुझसे चैट करना चाहते हैं तो मेरे ज्वाइन बटन पे जाके जुड़ सकते हैं, वहां मैं आपसे 1-to-1 चैट करूंगा, एक चैट रूम मिलेगा आपको। इसके साथ साथ आपको आपके कमेंट का जवाब भी सबसे पहले दिया जाएगा अगर आप ज्वाइन मेंबर बनते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के। तो आशा करता हूँ सारी डिटेलिंग आपको समझ में आई हो। अगर सब कुछ सही समझ में आया है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे मेरे द्वारा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।